अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोइनुद्दीन कुरैशी है और मैं आपका इस्लामियात का उस्ताद हूँ। आज बेटा हम रुकू नंबर 9 सूरह पाक का आयात नंबर 67 से 69, ये बकिया रुकू है, इसको हम मुकम्मल करें। पेज नंबर आप निकालें 23, पेज नंबर 23। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माकाना लिनबी अन यकूना लहू असरा हत्ता युस्किना फिल अर्ज तुरीदूना अरदा दुनिया वल्लाहु युरीदु आखिरा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। लौला किताबु मिनल्लाहि सबका लमस्सकुम फीमा अख़ज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम। फ़कुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यिबन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। जी बेटा, ये तीन आयात हैं जिसमें पहली आयत में आप देखें कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शान बयान करते हुए कह रहे हैं कि माँ कान नबी अयकून लहू हसरा, कि माँ कान नबी, कि नबी की ये शान नहीं है, नबी के लिए नबी की अजमत नहीं है, ये पैगंबर को ये शान नहीं है, अयकून के हो लहू उसके हाथ में असरा कैदी, यानी नबी की नबी को ये जेब नहीं देता कि उसके हाथ में कोई कैदी हो। हत्ता युस्किन फिलर्स, यहाँ तक कि वो खूब खून रेजी करे, हत्ता यहाँ तक के युस्किना वो कुचल डाले, वो खून रेजी करे, फिलर्स जमीन, यानी यहाँ ये बात कही जा रही है कि नबी जो है वो कुफार को कैद बनाने के लिए जंग नहीं करेगा, बल्कि उनका जमीन से खात्मा करेगा, उनको कत्ल व गारत करेगा, उनको कुचलेगा, उनकी खून रेजी करेगा। ठीक है, मकान नबी ने ये पुन लहू असरा हत्ता युस्किना फिलर्स, के पैगंबर को शाया नहीं कि उसके कब्जे में कैदी रहे, यहाँ तक कि काफिरों को कत्ल करके जमीन में कसरत से खून ना बहा दे, यानी मंशा ये है कि कुफार का खात्मा हो जाए, दुनिया से कुफार का खात्मा हो जाए। दुनिया की तलब करना इसलिए कैदियों का, कुफार को पकड़ना, कैदी बनाना कि हम उनसे फिदिया हासिल करेंगे, हम उनसे मुख्तलिफ चीज़ें लेंगे किसी भी सूरत, तो फिर यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि तुरी दूना आ रहा थे दुनिया, तुम चाहते थे आ रहा थे दुनिया, दुनिया के फ़ायदे, तुरी दूना तुम चाहते थे आ रहा थे दुनिया, दुनिया के फ़ायदे, वल्लाहु और अल्लाह ताला युरीदुल आखरा, अल्लाह आखरत की भलाई चाहता, यानी अल्लाह के नज़दीक दुनिया की भलाई कोई भलाई नहीं बल्कि आखरत की भलाई है, आखिरत में इंसान कामयाब हो जाए ये उसके लिए ज़्यादा पसंदीदा बात है, वल्लाह अज़ीज़ुन हकीम और अल्लाह ताला ग़ालिब हिकमत वाला है, अजीज़ ग़ालिब हकीम हिकमत वाला है। लौला किताब में नबी सबका लमस्सकु फीमा अख़ज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम। लौला, लौ अगर, ला किताब, ला किताब ना लिखा होता, यानी अगर ये बात ना लिखी गई होती मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से साबा का पहले, यानी अल्लाह के पास ये बात पहले से ना लिखी गई होती तो लमस्सकुम तुम्हें ज़रूर पहुँचता फीमा अख़ज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम, फीमा उसके बदले अख़ज़्तुम जो तुमने लिया है अज़ाबुन अज़ीम बहुत बड़ा अज़ाब, यानी जो तुमने फ़िदिया इन लोगों से लिया है अल्लाह ताला इसके बदले तुम पर बहुत बड़ा अज़ाब नाज़िल करता। फ़िदिया, फ़िदिया बेटा वो रकम होती है, वो मुआवजा होता है जो किसी भी कैदी को रिहाई दिलाने के लिए मुसलमान हासिल करें, इसको कहा जाता है फ़िदिया। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ये एक छोटा सा वाक्य है कि जब कैदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ सहाबा किराम से मशवरा लिया और उनसे कहा कि इन कैदी के साथ क्या सलूक किया जाए, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह कहा कि इनसे फ़िदिया लिया जाए और उनको छोड़ दिया जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह कहा कि इनको, इनका हर करीबी रिश्तेदार जो है वो खुद मार दे, खुद कतर कर दे, यानी अगर बेटा कैद में है तो बाप उसे मार दे, बाप कैद में है तो बेटा उसको कतल कर दे या भाई भाई को कतल कर दे, यानी आपस में ही ये कत्ल वगारत कर लें ताकि इनकी किसी को खून बहा ना देना पड़े, किसी को फिदिया ना देना पड़े। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने
मुसलमानों ने जो इनसे फिदिया लिया, आप ने जो हजरत अबू बकर की बात को मान लिया था और इनसे फिदिया लेकर इनको छोड़ दिया गया। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर ये खत वगारत अल्लाह की तरफ से ना लिखी गई होती तो अल्लाह ताला इस फिदिया के बदले तुम पर बहुत बड़ा अजाब नाजिल करता। यहाँ से उलमा कराम ने एक बात अखज़ की है, वो ये कि इंसान को हर मामले में मशवरा ले लेना चाहिए। अब क्योंकि ये बात मशवरे में तय हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से बाकायदा मशवरा किया, तो मशवरे में बात तय होने से अल्लाह ताला का जो आया हुआ अजाब था वो टल गया, वो ख़त्म हो गया, दूर हो गया। लेकिन अगर बगैर मशवरे के ये बात तय कर ली जाती तो फिर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा अजाब यहाँ पर नाजिल हो जाता। आखिरी आयत में कहा जा रहा है फकुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यिबन, फकुलू बस खाओ, खाओ से मुराद यहाँ पर इस्तेमाल करो, मिम्मा जो कुछ गनिमतुम तुमने बतौर माल गनीमत हासिल किया है, यानी जो कुछ तुम्हें माल गनीमत के तौर पर हासिल हुआ है उसे इस्तेमाल करो, खाओ, हलालन तय्यिबन, ये तुम्हारे लिए पाक भी है और जायज़ भी, हलाल जायज़ और तय्यब पाक, कि जो कुछ तुम्हें माल गनीमत के तौर पर मिला है तुम इसको खाओ, इस्तेमाल करो। वत्तकुल्ला, एक बात याद रखो, अल्लाह से वत्तकुल्ला, अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। तो बेटा ये तीन आयात थी, रुकू का इख्तिताम हुआ है, इसमें आपने जो है इन आयात के अल्फाज मायने और ये जो आयात का मामला तर्जुमा पढ़ा है इसको होमवर्क में लिखना है और इसके साथ साथ इसको याद भी करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई बात इस रुकू में ना समझ में आई हो तो आप मुझसे बजरिए टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप के जरिए या कॉल के जरिए रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।